गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, हाउ आर यू ऑल? होप वेरी फाइन एंड हेल्दी. चिल्ड्रेन, अप टिल नाउ वी हैव लर्नड इन ईवीएस अबाउट आवर एनवायरनमेंट. इन दैट वी हैव स्टडीड अबाउट प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग. टुडे वी विल लर्न अबाउट आवर फिजिकल नीड्स एंड बेसिक नीड्स. बेटा, क्या आपको पता है कि हमारे फिजिकल नीड्स क्या है? फिजिकल नीड्स मीन्स वो चीज़ें जो हमारे जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, लाइक फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर. और व्हाट इज मीन बाय बेसिक नीड? बेसिक नीड्स मीन्स अच्छा लाइफ जीने के लिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लाइक फूड, क्लोथ्स, शेल्टर. ये तो इंक्लूड है ही, इसके साथ हेल्थ एंड एडुकेशन, ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ में. अप टिल नाउ आई टोल्ड यू अबाउट फूड, क्लोथ्स, शेल्टर. इवन वी हैव डिस्कस्ड ऑन हेल्थ ऑल्सो. टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन एडुकेशन. सो चिल्ड्रेन, कैन यू टेल मी फ्रॉम वेयर डू वी गेट एडुकेशन? यस माई डियर, फ्रॉम स्कूल. So, in our first chapter, going to school, we will see how children are going to school for taking education. Children, have you observed that how your friends coming to school every day? All are coming by auto or all are coming by bicycle only? No, not at all. You may have observed that some students are coming to school by auto, while some by bicycle, some by walking. Those who are living at stone throw distance, means very near to the school, while some are dropped by their parents. It means हर बच्चा, एवरी चाइल्ड इज कमिंग टू स्कूल एंड यूजिंग द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस. हर बच्चा अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ट्रांसपोर्ट का यूज करता है. चिल्ड्रेन, इन द गिवन पिक्चर यू कैन सी व्हाट द चिल्ड्रेन आर यूजिंग फॉर गोइंग टू स्कूल, व्हाट द चिल्ड्रेन आर टेलिंग. सी, the children are telling that it rains so much where we live. Sometimes after the rain there is knee high water everywhere, means वो जिस एरिया में रहते हैं वहां पर इतनी बारिश होती है कि उनके नी तक वाटर लेवल हो जाता है. बट दैट डजंट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल. पर ये सारी चीजें उनको स्कूल जाने से नहीं रोक सकती. सो हाउ दे आर गोइंग टू स्कूल? सी, बाय होल्डिंग द बुक्स इन देयर वन हैंड एंड इन द अनदर हैंड दे हैव होल्डिंग बाम्बू एंड द रोप्स एंड दस दे आर गोइंग टू स्कूल. सी, वी होल्ड our books in one hand and bamboo in the other. We quickly cross the bamboo and rope bridge to reach school. So children, regarding this, we will see one activity here. See, these children are walking on the bricks. Have you enjoyed such type of activity? आप घर पर इस activity को कर सकते हो. See, आप कुछ blocks लो और उस पर वॉक कर देखो. क्या आप इजीली उस पर वॉक कर सकते हो? जस्ट एंजॉय इट. चिल्ड्रेन, क्या आप कभी बेयर फुट चले हो? मींस विदाउट यूजिंग एनी फुटवेयर, विदाउट स्लीपर्स, विदाउट शूज एंड सैंडल्स. तो आपको क्या लगता है, बेयर फुट चलना इजी है या फुटवेयर्स के साथ चलना इजी है? व्हाई? Just enjoy these activities at home.
See children, this is the picture of Ladakh. Do you know where Ladakh is situated? Ladakh is situated in the state of Jammu and Kashmir. See, हम यहाँ पर लद्दाख देखेंगे. ये यहाँ पर लद्दाख सिचुएटेड है. ओके बेटा, यहाँ के बच्चे स्कूल जाने के लिए देखो किस चीज का यूज कर रहे हैं. दे आर यूजिंग द ट्रॉली भाई, बिकॉज दे हैव टू क्रॉस द रिवर एवरी डे. सी, एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल. द रिवर इज वाइड एंड डीप. देयर इज अ स्ट्रॉन्ग आयरन रोप अक्रॉस द रिवर. ऑन बोथ द साइड्स इट इज टाइड टाइटली विथ स्ट्रॉन्ग ट्रीज और रॉक्स. इस ट्रॉली की जो रोप है वो स्ट्रॉन्ग ट्रीज को या रॉक्स को बहुत ही टाइटली टाई किया है, उसको बांधा हुआ है, और उसके साथ में ये ट्रॉली इस बैंक से उस बैंक तक बच्चों को ड्रॉप करती है. ठीक है, ओके. सी, देयर इज अ ट्रॉली एंड ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड. यहां पर हम देख सकते हैं कि ये टोटली ओपन बॉक्स है जो वुड से बना हुआ है. ठीक है, पुली हेल्प्स द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोप. अब यहां पर पुली है जो इस ट्रॉली को मूव करने के लिए हेल्प करती है. पुली क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी. वी रीच द अदर साइड ऑफ द रिवर इन अ शॉर्ट टाइम. ये बच्चे इस ट्रॉली के हेल्प से रिवर के इस बैंक से उस बैंक पर बहुत इजीली और शॉर्ट टाइम में ट्रैवल करते हैं. Now see the given pictures. Children, in the given picture, you can see what the you can see that in the first picture, the boy is taking out water from the well without pulley. While in another picture, the boy is using pulley for the same purpose. So, what do you think? Which would be easier? Using pulley or not using it? Of course, using pulley. Because pulley is a simple machine. Or machines hamara work easy karti hai. मशीन्स यूज करते वक्त हमको हमारा फोर्स बहुत कम अप्लाई करना होता है, इसीलिए हम मशीन्स का यूज करते हैं. ऐसे सिंपल मशीन्स आप घर में देखते होंगे, आपकी मम्मा मिक्सर यूज करती है, ग्राइंडर यूज करती है, ये सारी सिंपल मशीन्स है. ओके, आपने ऐसी पुलीज और आपके सराउंडिंग में कहीं देखी है? देखो, ऑब्जर्व करो और उसका यूज कैसे कर सकते ये बताओ. Even in this given picture, we can use the pulley for lifting various things. Okay, children. In our next period, we will see another way to go to school. Till then, bye. Take care. Stay home, stay safe. Bye-bye.